चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। जो हमारा लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में हम लोग आ गए हैं ट्रांसपोर्टेशन में, हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने रिस्पिरेशन देखा था, रिस्पिरेशन का सारा जो भी टॉपिक था सारा हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ उस वीडियो को बहुत केयरफुली वॉच करिए और बहुत ईजी तरीके से हम लोग ने एक्सप्लेन करने की उसमें कोशिश करिए। आई होप आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आए हैं एक नया टॉपिक लेके, वो है ट्रांसपोर्टेशन। धीरे धीरे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम लेके आए हैं वुमेन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसके बाद हम प्लांट का पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे आप क्या समझ रहे हो, अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट, तो आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जहाँ तक है इतनी ही आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम ट्रांसपोर्ट के एक मतलब एक इस शब्द की बात करें कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, तो यू सेड कि ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन वही होता है कि यहाँ पे हम क्योंकि फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, बॉडी के अंदर के फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो हमारे इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो अंदर इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ों का हो रहा है, हमने डाइजेशन पढ़ा, उसमें हम लोगों ने देखा कि डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टिव मटेरियल या डाइजेस्टिव चीज़ें जो हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है, वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, वन प्लेस से अनदर प्लेस में पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोग ने रिस्पिरेशन देखा, रिस्पिरेशन में हम लोग ने क्या देखा कि जब ऑक्सीजन एल्वोलाई में आता है तो वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो उसको सराउंड करी रहती हैं, वहाँ से वो ऑक्सीजन को लेती हैं और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। इनफैक्ट जो ब्लड में ऑक्सीजन को लेती हैं, तो ब्लड में हम आगे बताएंगे कि ब्लड का कौन सा पार्ट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और वो उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। मैं इस इस क्लास में आगे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। तो ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल का, और वेस्ट मटेरियल भी हम जब एक्सक्रेशन का सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कि वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में किसी न किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट का एक डिफिनेशन की बात करें तो जो हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में जा रहे हैं इस चैप्टर में, तो यहाँ पे जब कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो अकेले तो नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएगी ना, उसके लिए कोई एक ऐसा मीडियम चाहिए जो उस चीज़ को लेके पूरी बॉडी में पहुँचा रहा है, कोई मीडियम चाहिए ना। अब तो मतलब चीज़ें तो निकल के वो वेट करी मैं, अब कैसे पूरी बॉडी में जाऊँ, तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए एक मीडियम चाहिए और वो मीडियम होता है ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड एक ऐसा मीडियम होता है जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी की पूरी बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि सर्कुलेशन भी वही होता है, सर्कुलेट होना मटेरियल का पूरी बॉडी में, सर्कुलेट होना ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है। तो जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है वो टू टाइप की है ह्यूमन बॉडी में, फर्स्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड है लिम्फेटिक सिस्टम। यानी ये सब ऐसा मीडियम है हमारी बॉडी में जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन ऐसे कंपोनेंट हैं ब्लड के, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन ऐसे कंपोनेंट ही कह सकते हैं जो इन्वॉल्व होती हैं पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसमें होता है ब्लड जो एक मीडियम है, ब्लड वेसल्स होती हैं जो चीज़ों को कैरीज करती हैं, उनको एक पाथ देती हैं, और हार्ट है इसमें जो हम इसमें बहुत इस जो भी टॉपिक है इसमें आगे हम पढ़ेंगे, हार्ट को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसका पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके सारे फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। लिम्फेटिक सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लेते हैं। उसमें हम बात करते हैं फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट कंपोनेंट विच इज़ अ ब्लड, ठीक है। अब ब्लड की बात हम कर रहे हैं, तो
तो ब्लड क्या है, जहाँ तक है हम लोग ने ब्लड को देखा है, जब भी हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल तो हमारा ब्लड टेस्ट होता है, या कहीं कट गया फिट गया तो वहाँ से भी ब्लड निकलता है, तो हम लोग ने ब्लड को देखा है, उसका कलर क्या होता है इतना तो हमें पता ही है। तो ब्लड इज अ रेड वेस्कुलर यानी फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, इट इज द मीडियम टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी ये एक ऐसा मीडियम है जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है हर एक बॉडी पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फ्लूइड होता है, रेड कलर का होता है, यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया। अब यहाँ पे ब्लड के भी कंपोनेंट होते हैं, यानी ब्लड भी कई चीज़ों से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ों से मिलके बना होता है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल। अब प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा जो होता है, अगर जैसे कि क्या होता है कि जब अभी कोविड में प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि प्लाज्मा डोनेट करो, ये चीज़ हम लोगों ने सुनी होगी ना, तो माइंड में आया होगा प्लाज्मा क्या होता है, ये माइंड में आया भी होगा। तो प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का ही पार्ट होता है, ब्लड जो होता है प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई ब्लड तो पूरा रेड दिखता है, बट जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो इट इज अ पाल स्ट्रॉ कलर नॉन लिविंग फ्लूइडी मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, यानी ये ब्लड का हल्का पीला स्ट्रॉ कलर का इसका कलर होता है, ठीक है। और ये वाटरी होता है, वाटरी पार्ट होता है ब्लड का, ठीक है। इट इज पाल स्ट्रॉ कलर नॉन लिविंग फ्लूइडी मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, इट फॉर्म्स अबाउट 55-60% ऑफ ब्लड, यानी ये ब्लड का हाफ से भी ज्यादा पार्ट को बनाता है, ठीक है। यानी मतलब मैक्सिमम पार्ट अगर देखा जाए तो हाफ से भी ज्यादा पार्ट ब्लड में प्लाज्मा का ही होता है। इट हैज 90-92% वाटर। अब प्लाज्मा में की बात कर रहे हैं हम, तो प्लाज्मा में 90-92% वाटर होता है। उसके बाद जो बचता है यानी 7-8% जो बचता है उसमें होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट, प्रोटीन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिजॉल्व्ड गैसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी प्लाज्मा तो ब्लड का ही पार्ट है, और हमें पता है कि ब्लड जो होता है गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो प्लाज्मा गैस ब्लड का ही पार्ट है, तो वो भी जो है डिजॉल्व गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी बॉडी में। तो हमने क्या देखा, प्लाज्मा देखा। यानी अगर हम ब्लड को लेते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड को ले लिया, अगर हमें इसमें से प्लाज्मा को देखना होगा कि भाई प्लाज्मा तो हम बात कर रहे हैं कि वो पाल स्ट्रॉ कलर का है, यानी जो भूसा होता है एकदम क्रीमिश कलर, उस कलर का दिख रहा है, तो आप बोलोगे यार ब्लड तो रेड कलर का दिख रहा है बट इसमें प्लाज्मा का कलर तो ऐसा है। क्या होता है कि जब हम ब्लड को ले लिया हम लोगों ने, अब जब हम लैब या किसी हॉस्पिटल में जहाँ पे टेस्ट होता है ब्लड का, वहाँ पे ढेर सारी मशीन होती हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जो इनको ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं। अगर हम कोविड में बात कर रहे हैं, प्लाज्मा डोनेट करने की बात आई थी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ब्लड में से प्लाज्मा को अलग किया गया होगा, यानी ब्लड से प्लाज्मा अलग होता है, ठीक है। तो उसकी मशीन होती है, वहाँ पे क्या होता है कि उस जब हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उस मशीन में डालते हैं, तो वो कंटिन्यूसली इतना मूव करती है कि उसमें से प्लाज्मा अलग हो जाता है और ब्लड कॉर्पसेल्स अलग हो जाते हैं। यानी जो ब्लड है वो सेपरेट हो जाता है उसमें से प्लाज्मा, यानी जब हम प्लाज्मा को सेपरेट करेंगे तो वो सेपरेट होके उसका ओरिजिनल कलर दिखेगा आपको, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमने आज देखा कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी में चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है, वाया वेस्ट, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो गैसेस हो, उनका ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में। अब वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए हमें कुछ मीडियम चाहिए जिससे वो पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली यानी एक बराबर पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट हो। तो
हमारे पास है मीडियम ब्लड। तो फर्स्ट जो हमारे पास सिस्टम हम लोगों ने देखा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आएगा, ब्लड वेसल्स आएंगे और हार्ट होगा, ठीक है। ब्लड के बारे में पहले हम लोग जान लें, क्योंकि जब हम हार्ट तक पहुंचेंगे ना तो हमें ब्लड और ब्लड वेसल्स सब के बारे में पता होना चाहिए, तब हम हार्ट को पढ़ेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। ब्लड भी यूज़ होगा, ब्लड वेसल्स भी यूज़ होंगे, सब कुछ यूज़ होगा। तो हमें जब हम हार्ट पढ़े तो हमें बाकी की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो बाकी जब भी हम उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ आता हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे। तो ब्लड में हमने देखा कि ब्लड जो होता है रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो पूरे बॉडी में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट होता है ब्लड प्लाज्मा, सेकेंड होता है ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55-60% पार्ट होता है, वो पाल यानी क्रीमिश कलर का होता है, नॉन लिविंग कलरलेस होता है, ठीक है, नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है ब्लड का। उसमें 90-92% वाटर और बाकी के इनऑर्गेनिक सॉल्ट, प्रोटीन एंड डिसॉल्व गैसेस होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच इज अ ब्लड कॉर्पसल्स। इसमें क्या क्या होंगे? इसमें होंगे RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ये सारे टर्म्स आप लोगों ने सुने हुए हैं, इसके बारे में हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम आगे हैं, जो सेकेंड कंपोनेंट है ब्लड का वो है ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। वो होता है तीन टाइप का, AB एंड दिस वन इज C, ठीक है। ए होता है RBC, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और इसको हम बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स। सेकेंड होता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको WBC बोलते हैं, और उसको हम बोलते हैं लीकोसाइट्स। थर्ड होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर हम टेस्ट ट्यूब में ब्लड को लेते हैं, अगर हमको प्लाज्मा सेपरेट करना है, क्योंकि प्लाज्मा होता है क्रीमिश कलर का, पाल स्ट्रॉ कलर का होता है, तो इसका मतलब वो रेड कलर जो हमें दिखता है ब्लड का, उसमें ये प्लाज्मा है मगर हमें दिख नहीं रहा है। अगर आपके अंदर होगा कि भाई मुझे देखना है, तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, उसको लिए हमें लैब जाना होगा, तो वहाँ पे ये सेपरेट होके आपको दिख जाएगा ये क्रीमिश कलर का। बट उसके बाद जो सेकेंड कंपोनेंट है वो हमको रेड दिख रहा है, ठीक है। वो क्यों रेड दिख रहा है, अब यहाँ पे हमें बताती हूँ। जो रेड कॉर्पसल्स है, रेड कॉर्पसल्स है वो होता है, ये जो होता है ये ओवल शेप का हो सकता है, मतलब क्या है कि आप जब देखोगे तो ये ओवल, राउंड, ऐसा बाइकॉनकेव, इस टाइप के शेप का दिखेगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये ओवल शेप का है, ठीक है, ओवल शेप का है। उसके बाद जो है ये जो होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है। अब हम लोग ने 9th क्लास में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है, और उसके डिवीजन से जो होता है नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सेल डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ना। अब यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होगा, क्या RBC डिवाइड होके बढ़ेगी, इंक्रीज होगी? नहीं, क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पे कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो यानी डिवीजन जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनिज नहीं है, यहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनिज नहीं, इसके साइटोप्लाज्म में कोई सेल ऑर्गेनिज नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड हो गया, इसमें कोई सेल ऑर्गेनिज नहीं है और न्यूक्लियस नहीं है, तो इसमें जो है डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है, यानी इसके जो मतलब जितना दिन ये जीवित रहता है वो होता है 115-120 डेज, उसके बाद ये अपने आप मर जाता है, ठीक है। ये मतलब कुछ घंटे से लगभग 115-120 दिन इसका लाइफ स्पैन रहता है, इसमें ये जिंदा उतने में रह के मर जाता है, ठीक है। ये अपने आप मरता है फिर अपने आप बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके क्या कहते हैं, ये कहाँ फॉर्मेशन होता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है।
आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, कहाँ होता है बोन मैरो में और एंड स्प्लीन में भी इसका फॉर्मेशन होता है। अब बोन मैरो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स पाई जाती है ना, उसमें एक लिक्विड मतलब लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है उसी को बोन मैरो कहते हैं। जो हमारे बॉडी में लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें लिक्विड जो मटेरियल होता है उसको बोन मैरो कहते हैं, वहीं पे हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और स्प्लीन में भी होता है, ठीक है। बट मैक्सिमम अगर बात की जाए तो बोन मैरो में ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब बात की जाए कि बन रहे हैं और खुद भी मर रहे हैं, ये अपने आप मतलब ये बनते जा रहे हैं और एक लाइफ स्पैन को जीकर उसके बाद अपने आप मर रहे हैं। अब मर रहे हैं तो मरने के बाद इनो कहाँ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना कि भाई WBC इतनी जल्दी, मतलब अब 120 डेज की बात की जाए तो इसका मतलब 4 मंथ्स ये जिंदा रह रहे हैं, बट 4 मंथ्स के बाद उन आरबीसी का क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। तो जब ये मर जा रहे हैं तो ये कहाँ जाते हैं, स्प्लीन में जाके ये मतलब स्प्लीन में चले जाते हैं, मर के वहीं पर जाके ये मतलब उसी के अंदर स्प्लीन में जाके इनका मतलब जो भी होता है डेथ हो जाता है। तो इसीलिए हम स्प्लीन को क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं कि स्प्लीन और बोन मैरो दो ऐसी जगह है जहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, बट अगर डेथ की बात की जाए क्योंकि इनका लाइफ स्पैन नहीं होता है तो कहाँ जाएंगे, हमें बॉडी में तो इन्हें डिस्ट्रॉय हो रहे बट कहाँ जा रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी इनकी डेथ हो रही तो कहाँ जा रहे हैं, तो वो स्प्लीन में चले जाते हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो स्प्लीन में चले जाते हैं, ठीक है। तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम स्प्लीन को हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ठीक है, इसको बोलेंगे। तो हमने क्या देखा कि ये जो आरबीसी होता है वो ओवल या बाइकॉनकेव शेप का होता है, लोग राउंडेड भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी बोलते हैं। ये जो होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसके साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं है तो इसमें डिवीजन नहीं होता है, यानी इनकी जो क्वांटिटी होती है वो मरते रहते हैं बनते रहते हैं मरते रहते हैं और बनते रहते हैं, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है 115 से 120 डेज का होता है। अब बात आती है कहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है, तो इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो और स्प्लीन में। बोन मैरो क्या है, वो एक लॉन्ग जो हमारे बॉडी में लंबे लंबे बोन्स होते हैं उसके अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है वही होता है बोन मैरो, ठीक है। अब ये मर रहे हैं तो डिस्ट्रॉय कहाँ हो रहे हैं, कहाँ जाके इनका मतलब डेथ हो रहा है, तो स्प्लीन में जाके इनका डेथ हो रहा है, इसलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, और फॉर्मेशन भी स्प्लीन में हो रहा है इसलिए हम इसको ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। जब ये तो हो गई जब हम जैसे यंग लोग हैं उनके बारे में, बट जो मतलब जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं अपने माँ के वोम्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बेबी होता है तो लीवर में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये तो जो मैं अभी बात बता रही थी, ये जो मैंने डिस्कशन किया है दैट इज फॉर आवर यंग पर्सन जो हम लोग जैसे हैं, बट जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे हो रहते हैं उनमें लीवर का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो लीवर का आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। तो हम लोग ने आरबीसी में क्या क्या देखा है, आरबीसी में हम लोग ने देखा है कि उनका शेप देखा है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, डिविजन नहीं होता है, सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, लाइफ स्पैन जो होता है ये होता है 115 टू 120 डेज, बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है और स्प्लीन में होता है, और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। और जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा रहता है तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि आरबीसी जो है उसमें पिगमेंट
आरबीसी जो होता है उसमें पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ये जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है वो पिगमेंट पाया जाता है आरबीसी में, जो उसको कलर क्या देता है, रेड कलर का देता है। अगर जो हमें रेड कलर का ब्लड दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है, हीमोग्लोबिन की वजह से दिख रहा है। हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब पिगमेंट और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, या जैसे यू नो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में तो एक पिगमेंट होता है ना जिससे लीफ का कलर ग्रीन कलर का दिखता है, वैसे हमारे ब्लड में भी हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जो उसका कलर रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हीम मतलब यू नो पिगमेंट और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो होता है पिगमेंट होता है जो आरबीसी में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। जब यू नो गैसेस, जब हम रिस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जब गैसेस एल्वियोलाई में आता है ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसको पूरी बॉडी में कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। बट ब्लड में भी क्या पाया जाता है, आरबीसी, जिसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है जिसके साथ वो ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, जुड़ता है और पूरे बॉडी में उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हीमोग्लोबिन। इसी में ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, जुड़ जाता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये है मेन ट्रांसपोर्टेशन, जो भी रिस्पिरेशन होता है उसमें जो ट्रांसपोर्टेट हो रहा है ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, वो इस हीमोग्लोबिन के साथ ही बॉन्ड होता है और सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या क्या कवर किया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जा सकता है इसलिए मैं अभी यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं WBC से पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा तो बच्चे थोड़ा बोर भी हो सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो शॉर्ट रहे, टू द पॉइंट रहे और नॉलेज उसमें जितना भी हो सके उसमें इंफॉर्मेशन रहे, मतलब उस वीडियो में। इसलिए मैं अभी यहाँ पे यू नो उस वीडियो को स्टॉप करती हूँ। हम लोगों ने ब्लड देखा, प्लाज्मा देखा और ब्लड का सेकेंड कंपोनेंट देखा, ब्लड कॉर्पसल, जिसमें हम लोगों ने RBC देखा, एरिथ्रोसाइट देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे WBC, प्लेटलेट्स और फिर इनकी एक कंपेरेटिव स्टडी भी पढ़ लेंगे कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा पूरा एक साथ कंबाइंड होके, ठीक है। तो आई होप आज का जो भी टॉपिक है वो आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।